नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे ज्योग्राफी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैंने देखा है कि काफ़ी सारे फ्रेंड्स का जो है जो न्यू रहती है, जो फाउंडेशन रहता है, वो कमज़ोर रहता है और वो सीधे स्टैंडर्ड बुक्स में आ जाते हैं और फिर उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनकी कहाँ गलती रहती है। तो इसीलिए इस सीरीज़ को हमने स्टार्ट किया है। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब, और अगर आपको इससे कुछ हेल्प होती है तो इस वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे द्वीप क्या होता है। तो देखिए, वैसा छोटा भू क्षेत्र जो चारों ओर जल से घिरा हो, यानी कि देखिए कोई ऐसा भू क्षेत्र जो चारों ओर जल से घिरा हो, जैसे कि ये कोई छोटा सा भू क्षेत्र है और इसके चारों तरफ जल है, ध्यान दीजिएगा चारों तरफ। तो जैसे कि हम देखें एग्जाम्पल ग्रीनलैंड, तो ग्रीनलैंड आपके अमेरिका के पास में है, आपको पता होगा उत्तर अमेरिका के ऊपर वाली साइड है। तो अब आपको ये बताना है ग्रीनलैंड पर किसका कब्जा है, ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अब देखिए यहीं पर एक बात और आती है, द्वीप समूह, ध्यान दीजिएगा द्वीप समूह। द्वीप समूह का मतलब क्या है, जब ऐसे ही छोटे छोटे द्वीपों का समूह बनता है, यानी कि जब छोटे छोटे द्वीप एक जगह रहते हैं तो उसे द्वीप समूह कहते हैं। जो आपने सुना होगा इंडोनेशिया का द्वीप समूह, जिसमें जो है 1500 से भी अधिक द्वीप हैं। अब हम आते हैं महाद्वीप पर, जिसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंट। ठीक है, देखिए महाद्वीप क्या है, जैसे द्वीप का ही बड़ा रूप है महाद्वीप, यानी कि जब बहुत बड़ा भू क्षेत्र चारों ओर जल से घिरा होता है तो उसे हम महाद्वीप कहते हैं। जैसे कि एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ओशिनिया, ये सभी क्रम वाइज दिए हुए फ्रेंड्स। सबसे बड़ा एशिया है, फिर इसे छोटे छोटे क्रम में दिए हुए हैं। आप जैसे कि वर्ल्ड मैप में देखते होंगे तो उसी प्रकार से ये महाद्वीप होता है। अब ध्यान रखना कि एक उपमहाद्वीप का भी नाम आता है। तो उपमहाद्वीप का मतलब क्या होता है, जब महाद्वीप से कोई कटा भाग हमें दिखता प्रतीत होता है तो हम उसे उपमहाद्वीप कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर एशिया में देखें तो एशिया में कौन सा है, जैसे कि आपने नोटिस किया होगा, आपने कभी क्वेश्चन में सुना होगा कि आपके पास में एक भारतीय उपमहाद्वीप का नाम आता है। जैसे कि आप देखें तो ये, जैसे कि यूं समझिए ये भारत है, ठीक है, वैसे ये सही नहीं है लेकिन मैंने छोटा सा बनाने का प्रयास किया। आपने ध्यान दिया होगा इधर हिंदू कुश है, फिर इधर हिमालय है और फिर इधर आराकाम पर्वत है। तो इसे क्या है, ये संपूर्ण एशिया से थोड़ा अलग भाग प्रतीत होता है भौगोलिक रूप से, तो इसी कारण से हम इसे जो है उपमहाद्वीप कहते हैं। अब हम चलते हैं देशों की तरफ, क्योंकि देखिए सबसे पहले हमने द्वीप को देखा, फिर हमने महाद्वीप को देखा, अब हम देखेंगे महाद्वीप पर क्या है। तो महाद्वीप पर देश है, लेकिन ध्यान दीजिएगा स्थल अवरुद्ध देश और बफर कंट्री में क्या फर्क है। स्थल अवरुद्ध देश ऐसा देश है जो है ना चारों ओर से भूमि से घिरा हो, यानी कि स्थल से घिरा हो। तो सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है कजाकिस्तान, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर हम आते हैं बफर कंट्री में। बफर कंट्री, आप देखिए बफर कंट्री, आपको परिभाषाएं रखने की जरूरत नहीं है, केवल आप एग्जाम्पल के, जैसे कि नेपाल लिखा है, मैंने नेपाल क्यों लिखा है, क्योंकि नेपाल जो है चीन और भारत के बीच का बफर कंट्री है। मंगोलिया जो है रूस और चीन के बीच का बफर कंट्री है। बफर कंट्री का मतलब है जब दो बड़े देशों के बीच में एक छोटा सा देश आ रहता है तो उसे हम बफर कंट्री कहते हैं, यानी कि फंस जाए। तो जैसे नेपाल जो है भारत और चीन के बीच में है तो इसी कारण से उसे हम बफर कंट्री कहते हैं। अब हम चलते हैं अंतरद्वीप की तरफ। अब देखिए ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो दो पॉइंट है अंतरद्वीप और प्रायद्वीप, और फिर जो आगे आने वाले हैं खाड़ी, क्रिक, ये वाले, इनमें थोड़ा सा आप कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो देखिएगा अंतरद्वीप किसे कहते हैं, जब भूमि का कोई क्षेत्र, आप नोटिस कीजिएगा, जैसे कि कोई महाद्वीप का कोई छोटा सा क्षेत्र है वो समुद्र के अंदर घुस जाता है, पतला क्षेत्र, तो उसे हम अंतरद्वीप कहते हैं। ठीक है, यानी कि तीन ओर से जल से घिरा हुआ भूमि का पतला क्षेत्र अंतरद्वीप कहलाता है। लेकिन जब ये अंतरद्वीप बड़ा होता है जैसे कि, तो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि भारत में ये वाला क्षेत्र, ये पूरा प्रायद्वीप है। ठीक है, तो इसी प्रकार से बहुत सारे प्रायद्वीप हैं पूरे विश्व में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब ये क्षेत्र बड़ा होता है तो उसे प्रायद्वीप कहते हैं, और जब ये क्षेत्र छोटा होता है तो उसे अंतरद्वीप कहते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो अब हम चलते हैं सोता क्रिक की तरफ, फिर हम देखेंगे गल्फ, फिर हम बे और फिर बाइट एंड बीच की तरफ। देखिए सोता में क्या होता है कि अंतरद्वीप में क्या था कि एक भूमि का हिस्सा महाद्वीप जो है समुद्र में आ गया था, लेकिन यहाँ पर सोता में क्या होगा कि समुद्र का जो पानी है वो महाद्वीप के किसी छोटे से भाग में चला जाता है। जैसे कि ये देखिए, ये कोई महाद्वीप है, आपने गुजरात वाला हिस्सा देखा होगा, ये वाला, ठीक है, गुजरात वाला हिस्सा। तो यहाँ पर जो ये आंतरी, ये जो सोता है उसे हम कहते हैं सर सोता, आपने नोटिस किया होगा सर सोता या सर क्रिक, ठीक है, उसे हम ये कहते हैं। तो ये क्यों कहते हैं, क्योंकि जब महाद्वीप के किसी छोटे से पतले भूभाग में जब पानी घुस जाता है समुद्र का तो उसे हम जो है सोता कहते हैं। लेकिन अब देखिए जब वो पानी घुसता रहेगा, लेकिन वो धीरे धीरे जब बड़ा होगा,
धीरे धीरे जब वो बड़ा होगा तो उसे हम खाड़ी कहेंगे। देखिए मैं चीजों को रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप जो है रटे नहीं समझे। देखिए जब वो बड़ा होता है तो उसे हम खाड़ी कहते हैं, जैसे ये थोड़ा सा इतना सा था फिर ये इतना हुआ तो उस खाड़ी, और जब ये इतना बड़ा हुआ तो भी इसे खाड़ी ही कहते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है, जैसे कि सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, मेक्सिको की या बंगाल की, आप कौन सा उत्तर देंगे। अब आप क्या करेंगे, सीधे इंग्लिश ट्रांसलेट पर जाएंगे, जो आपके क्वेश्चन में इंग्लिश का भी दिया रहेगा क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन, उस पर जाएंगे और आप नोटिस करेंगे कि उसमें खाड़ी में गल्फ दे रखा है इसने इंग्लिश में या फिर बे। अगर गल्फ दे रखा है तो आप मेक्सिको करेंगे और बे दे रखा है तो आप बंगाल करेंगे। फर्क क्या है इनमें, हिंदी वर्ड में कोई फर्क नहीं लेकिन इंग्लिश में है। जैसे कि देखिए, लेकिन जब जो था, देखिए सोता इतना था तो उसे हम कहते थे सोता, जब ये इतना हुआ तो उसे कहते थे खाड़ी, मीन्स गल्फ। सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी, मेक्सिको की, और जब ये और बड़ा हुआ तो उसे हम कहते हैं बे, जिसे भी हम खाड़ी कहते हैं लेकिन इंग्लिश में ध्यान रखना बे कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। तो लेकिन जब देखिए अब ये इतना हुआ, लेकिन जब ये वापस ऐसे हो जाता है इस प्रकार से एकदम चंद्राकार की तरह, तो इसे हम कहते हैं बाइट, यानी कि आपने सुना होगा ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, जो ऑस्ट्रेलिया के नीचे वाली साइड है। जैसे कि देखिए आप नोटिस करेंगे तो देखिए ये ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, और यहाँ पर ये वाली बाइट है, तो इसे हम कहते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ठीक है। और फिर हम आते हैं आज के आखिरी पॉइंट पर, तट, जिसे हम बीच कहते हैं। जब ये जो बाइट है ना, ये बाइट जब है समुद्र के पानी से घिस पीट कर एकदम यूं हो जाती है सपाट, तो इसे हम बीच कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा।